नमस्कार नमस्कार दोस्तों, है ना। मुझे चुक के सामने वैशाली का ये मुकाबला शुरू होता हुआ टाटा स्टील रैपिड का राउंड नंबर 4। एना ने E4 खेल के शुरुआत की है, वैशाली ने जवाब दिया है E5। देखते हैं यहाँ पर गेम कंटिन्यू कैसे होता है। नाइट F3 खेला है यहाँ पर एना ने, सो नाइट C6। और अब देखते हैं क्या रॉयल लोपेज खेला जाएगा। जी हाँ, रॉयल लोपेज खेला जाएगा। बिशप B5 खेल दिया यहाँ पर एना ने और A6 खेल के जवाब दिया है। बिशप A4 जाता हुआ पीछे की तरफ और नाउ बिशप C5। तो एक आक्रामक लाइन खेलने की उम्मीद रहेगी वैशाली की तरफ से। C3 खेलते हुए यहाँ पर D4 की तैयारी। नाउ यहाँ पर खेल दिया वैशाली ने नाइट E7 और अभी कैसल करने की तैयारी। पर D4 आ चुका है यहाँ पर, तो एक्सचेंज होना E into D4। पॉन इंटू D4, दो पॉन सेंटर पर। बिशप B4 से चेक दिया गया है यहाँ पर एना को वैशाली के द्वारा। बिशप D2 मोस्टली एक्सचेंज होगा यहाँ पर। क्या वैशाली एक्सचेंज करेंगी, वापस आएंगी? एक्सचेंज करना ही ठीक रहेगा। बिशप D2, क्वीन इंटू D2 मोस्ट प्रॉब्ली। यस, क्वीन इंटू D2 यहाँ पर खेल दिया है एना ने। और अब देखते हैं कि वैशाली ये जो सेंटर पे दो पॉन है इससे किस तरह से मुकाबला करेंगे। किया है D5 खेल के, उस सेंटर को चुनौती दी है और यहाँ पर D5 को मार दिया है इंटू D5। एक आइसोलेटेड क्वीन पॉन लेके खेलने वाली हैं यहाँ पर क्वीन इंटू D5 वैशाली मारते हुए। एना के पास आइसोलेटेड क्वीन पॉन IQP। नाउ नाइट C3 निकाल के क्वीन पर अटैक। क्या रखें, कहाँ पर रखेंगी क्वीन को? क्वीन E6 चेक देते हुए राजा को यहाँ पर। और नाउ यहाँ पर क्वीन E3 सामने रख दिया, मतलब एक्सचेंज करना चाहती हैं वो यहाँ पर। लेकिन वैशाली ने बोला कि मैं पहले कैसल कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब देखना होगा, इन्होंने भी कैसल किया यहाँ पर। ओके, सो नाउ B5 कंटिन्यू। वैशाली क्वीन को वहीं पर रखे हुए हैं फिलहाल। बिशप पर अटैक, बिशप B3 जाएगा, C2 जाएगा। यहाँ पर एना को डिसाइड करना होगा। एना ने बिशप B3 खेला है और क्वीन के ऊपर अटैक किया। ये ऑलमोस्ट फोर्स कर रही हैं एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर। क्वीन इंटू यहाँ पर E3 एक्सचेंज होता हुआ, पॉन इंटू E3 और नाइट A5 इमीडिएटली जो है उस ऊंट के ऊपर अटैक किया है। और यहाँ पर नाइट को, एफ वाले नाइट को D2 लेके गई हैं। रुक की फाइल खोली है लेकिन बिशप को ओपन रखा है एक्सचेंज के लिए। वैशाली ने बिशप B7 खेला है ना, रुक C1 बोर्ड पर आता हुआ। और अभी भी ऑप्शन है, आप नाइट इंटू B3 मारना चाहें, लेकिन वैशाली फिलहाल अपने रुक को गेम में लाते हुए रुक C8 यहाँ पर रखा है वैशाली ने। देखते हैं अगली चाल क्या होगी एना की तरफ से। एना बिशप को फाइनली हटाया है, बिशप को लेकर के गई है D1 पे। और यहाँ पर वैशाली ने C5 खेल दिया है, तो एक प्रकार से स्पेस बोर्ड पर गेन करती हुई पॉन इंटू C5, रुक इंटू यहाँ पर C5 वैशाली ने खेल दिया है। और अब है यहाँ पर मूव B4। ओके, ऐसा लगता है कि एक पीस ट्रैप हुआ है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? यहाँ पे बच सकते हैं। यस, रुक को G5 पे लेके गई है और रुक इंटू G2 का थ्रेट है और फिर उसके बाद नाइट मर जाएगा। सो यहाँ पर बिशप को लेकर के आना पड़ा है F3 पर। यहाँ पर वैशाली ने नाइट जो है वो C6 पे वापस ले लिया है। और नाउ अभी A3 करके B4 की पॉन को सपोर्ट दिया है एना ने। सो नाउ रुक G6, कंटिन्यू प्रेशर है उस डायगोनल पर, उस लाइन पर, फाइल पर। नाइट को जाती हुई एना B3 पे। सो नाउ यहाँ पर बिशप C8 खेला है वैशाली ने, क्योंकि वो बिशप शायद एक्सचेंज नहीं करना चाहती। नाइट ऊपर आते हुए D5, नाइट D5, नाइट D5, बिशप D5। नाउ बिशप यहाँ पर नाइट को E5 पे खेला है वैशाली ने। नाउ रुक आता हुआ C7 पे। सो बिशप E6 फाइनली यहाँ पर जो है बिशप एक्सचेंज होने वाला है बोर्ड के ऊपर। सो बिशप इंटू बिशप एंड रुक इंटू मोस्टली बिशप। और उसके बाद E3 का जो पॉन है वो थोड़ा टारगेट पर रहेगा। दूसरा नाइट C4 पे जा रहा है, वो भी परेशान कर सकता है एना को, क्योंकि A3 वाला पॉन भी ट्रबल में आ सकता है। यहाँ पर एना ने नाइट C5 खेला है, हाथी पर अटैक किया है, बट यहाँ पर रुक को लेकर के गई हैं D6। नाउ रुक खेला है E7, F6 करके सपोर्ट दिया यहाँ पर वैशाली ने। और अब नाइट आता है E6, क्या ये सही है? क्योंकि नाइट C6 के बाद घोड़ा तो थोड़ा फंस गया है नाइट। क्या ये पॉन देके रुक इंटू G7, किंग H7, शायद घोड़ा मर जाएगा यहाँ पर। और रुक E7, बट यहाँ पर पूरा का पूरा नाइट यहाँ पर चला गया है ये। तो यहाँ पर एना ने एक ब्लंडर किया है नाइट E6 के बाद रुक C1, अब नाइट E5। अब ये खेल इस बात का है कि क्या वैशाली इसको सही तरीके से डिफेंड करते हुए, जो थोड़ा सा आक्रमण हो रहा है उनके ऊपर रुक A7, यहाँ पर रुक F7 एक्सचेंज करने की तरफ कदम बढ़ाती हुई। बिल्कुल विनिंग पोजीशन है ये, पीसअप है यहाँ पे। अगर ज़्यादा आक्रमण जो करने की कोशिश करें, दोनों रुक को अंदर ले आई हैं, अगर वो सफल नहीं रहा तो ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन। नाइट C4 ले जाते हुए अभी आप देख सकते हो कि A3 मर रहा है, E3 मर रहा है, किंग H6, किंग भी सेफ हो गया है अभी। E4 किया, सो नाउ यहाँ पर रुक G7, रुक को हटाया उन्होंने E8। सो वैशाली ने अभी एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने खेला D6 पे। नाउ दूसरा रुक आता हुआ D8 पे।
और फाइनली यहाँ पर अपने रुक को डी सेवन लाया और एक रुक एक्सचेंज कर लिया है रुक डी सेवन, बट स्टिल टोटली विनिंग पोजीशन है, पीस अप है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो होने वाला है। और रुक आता हुआ फाइनली रुक डी सिक्स पे, किंग काफ़ी ऊपर आ चुका है फिलहाल यहाँ पर, किंग एफ फोर, नाइट ए थ्री से एक पॉन और मार लिया है, नाइट सी फोर वापस। वैशाली के लिए ये एक बड़ी जीत मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रही है, ज़्यादा यहाँ पर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी है ना, मुझे चूक और एक बेहतरीन जीत वैशाली के नाम पर दर्ज होने वाली है दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से ये एक इस टूर्नामेंट के लिए भी निर्णायक हो सकता है, क्योंकि ऐना काफ़ी पीछे हो जाएंगी इस हार के बाद। अब मुझे लगता है कि बस ये थोड़ी देर का ही कुछ खेल बचा है, जहाँ पर अंततः शायद हार माननी पड़ेगी। एच फाइव दिया है यहाँ पर, एच फाइव किया तो वैशाली ने एच सिक्स कर दिया है, कोई एंट्री जो है वो किसी तरह से भी पॉन प्रमोशन को नहीं देना चाहती। रुक के सेवन गया है, पर एक बड़ी जीत वैशाली के लिए इस टूर्नामेंट में, वो भी ऊपर आएंगी उभर करके। और ये इलीगल मूव हुआ है, इलीगल किया है यहाँ पर वैशाली ने, नाइट खेल दिया गलती से, ऑर्बिटर को करेक्ट करना होगा, करेक्शन हुआ है और नाउ गेम कंटिन्यू, स्टिल विनिंग पोजीशन है। बट हाँ, आप दूसरी इलीगल नहीं कर सकते वरना गेम जो है वो आपका चला जाएगा। रुकी सिक्स, आप सिर्फ अंतिम कुछ क्षण, मुझे लगता है सिर्फ एक टेक्निक है आप किस तरीके से इस गेम को कन्वर्ट करते हैं। और रुक सी फाइव कोशिश कर रही हैं किस तरह से इस जीत को निकाला जाए, रुक बी सेवन, और कुछ तो कर रुक कुछ तो अलग करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। यस, रुक आपको लेकर के कहना पड़ेगा यहाँ पर सी फोर पे, जैसे कि आप अगर आप बी फोर का पॉन मार लेंगे तो आपको चेक देने के लिए सी फाइव का स्क्वायर मिल जाएगा, मेरे ख्याल से वही एक आइडिया है। ना मेरे ख्याल से रुक इनटू बी फोर और रुक इनटू ए सिक्स के बाद अब जब वापस रुक सी फोर आएगा तो आपके पास सी फाइव का स्क्वायर खुल जाएगा और पीछे से भी चेक दे सकते हैं डेफिनेटली। एक पास पॉन भी आपके लिए तैयार है, रुक ए सेवन यहाँ पर सब, आप रुक, आप देखिए रुक सी फाइव का ऑप्शन आपके लिए खुल गया है, इससे किंग पीछे जाएगा और आपका नाइट और किंग जो है वो थोड़ा फ्री हो जाएगा आने वाले चाल में। ओके, फाइनली किंग कट ऑफ होता हुआ बी सिक्स, जी फाइव, रुक बी सेवन, कहीं ना कहीं आपको किंग को थोड़ा फ्री तो करना पड़ेगा ना जीतना है, तो शायद वैशाली वही जीतने का रास्ता ही खोज रहे हैं कि कैसे इस मैच को फिनिश किया जाए। किंग को तो मुझे लगता है वापस पीछे ही धकेलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यस, रुक की फाइव और मे बी रुक जी फाइव आप जाके बैठ सकते हो। ओके, खैर उन्होंने रुक सी फाइव खेला है, रुक बी सिक्स, किंग को फ्री करना होगा। खैर रुक जी फाइव खेला है अभी और रुक बी सेवन किया है, किंग को पीछे लेकर के आई है और आप मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा वक्त लगेगा इस मैच को फिनिश होने में। कुछ चेक जरूर आपको मिलेंगी बट अल्टीमेटली जो है मुझे लगता है कि ओके नाइट ई फाइव अभी चेक आएगा फिर से, तो किंग ई सेवन, आप चेक में मेरे ख्याल से नाइट से आप डिफेंस कर सकते हो। यस, नाइट से आप डिफेंस कर सकते हो यहाँ पर, रुक बी सेवन पे, नाइट आता हुआ पीछे डी सेवन, रुक यहाँ पर गया है ए सेवन, रुक जाता हुआ ओके जी, और मेरे ख्याल से अब शायद वक्त आ गया है कि ये गेम जो है किसी भी मोमेंट पर जो है खत्म हो सकता है, क्योंकि अब रुक जो है वो इवन बी एट पर भी जाके बैठ सकता है। यहाँ पर किंग एफ फाइव आया जरूर है, ओके बी फोर ही पुश कर दिया क्योंकि रुक बी एट हमेशा आपके पास है, रुक ए सिक्स खेला है यहाँ पर बट किंग पीछे और आई थिंक रुक बी फाइव, और आप मेरे ख्याल से रिजाइन करना होगा। जी हाँ, रिजाइन कर दिया और वैशाली की है शानदार जीत।